कृपया मेरी बात को थोड़ा सा वजन दीजिए। चलिए हम लोग सूरज देवता को अर्घ देते हैं दोनों सुबह और शाम दोनों समय। चलिए ये परंपरा जो है वो चली आ रही है बिहार से उत्तर भारत से। ये परंपरा एक्चुअली लोगों को जोड़ती है, बताती है इस भाग दौड़ के जीवन में, बताती है कि हम सब एक साथ रहें। जहाँ हम चीज़ों को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे देखिए हर सामान जो है वो एक किसान से, छोटे छोटे से किसान का है। बांस दिया, फल, हर वो छोटा छोटा फल जो हम लोग नहीं खरीदते हैं। चलिए ये परंपरा तो श्रद्धा की है लेकिन इसका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी है कि इसको जिस तरीके से हम लोग मानते हैं। और अभी अगर माना जाए तो पूरे जीवित देवी देवताओं में से सूरज देव जो है जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए हम लोग सुबह शाम उनका अर्घ देते हैं। आज कौन सा अर्घ है, इसके बाद क्या करेंगे? आज सायंकाल का अर्घ है और सुबह हम लोग फिर आके उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। क्या फल की कामना करती हैं? हमारा परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, रोग बला दूर हो, बढ़े सब लोग, खुशियाँ रहे लोगों के बीच में, एक साथ सब लोग ऐसे ही। ये मेरी पूरी फैमिली है, हम लोग हर साल ऐसे ही एक साथ पूजा करें जो भी लोग।